रिसेंटली मेरे साथ या मेरे स्किन के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद मैं नॉर्मली वीडियोस भी नहीं बना पा रही थी कुछ दिन तक। मेरा स्किन बैरियर डैमेज हो गया था, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे फेस पे रेड पैचेस आ गए थे एंड इरिटेशंस की वजह से बर्निंग सेंसेशंस हो रहे थे। स्किन पे कुछ भी अप्लाई करो तो फेस इतना जल रहा था, दैट हॉट रेड इरिटेटेड एंग्री स्किन, दैट वॉज द स्किन कंडीशन। नाउ स्किन बैरियर डैमेज होने के पीछे कई सारे रीजन्स होते हैं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था मैं आपको बताना चाहूँगी। साथ ही साथ मैं ऑल्सो आपके साथ शेयर करूँगी कैसे 4-5 दिन के अंदर मैंने मेरी स्किन को इम्प्रूव किया, स्किन केयर टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने सीखा एंड ऑल्सो सम मिस्टेक्स आई मेड एट्सेट्रा। तो अगर आपकी भी स्किन सेंसिटिव है, डैमेज्ड है, स्किन पे रेडनेस है, तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, आई कैन प्रॉमिस दैट। एंड ऑल्सो जो टिप्स मैं शेयर करूँगी इस वीडियो में बहुत ही सिंपल ईजी टू फॉलो टिप्स होने वाले हैं, बट वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, अदरवाइज कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप मिस कर जाओगे। तो अगर आपको भी स्किन बैरियर इशू है तो फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है एंड प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। एज़ फॉर मी, मैं सडनली काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रही थी, रोड ट्रिप्स एंड बीच ट्रिप्स पे निकल रही थी, काफ़ी ज़्यादा टाइम लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए मैं अपने स्किन को सन में एक्सपोज कर रही थी। हॉट वेदर एंड सन की वजह से मेरी स्किन काफ़ी वल्नरेबल हो गई थी, ऊपर से मुझे काफ़ी सारे नए स्किन केयर प्रोडक्ट्स ट्राई आउट भी करना था, कुछ 2-3 एक्सफोलिएटिंग सीरम्स थे, टोनर्स एंड एसेंसेस थे नए नए ब्रांड्स के, अलग अलग ब्रांड्स के, तो शायद ये सब कुछ मेरे स्किन के लिए कुछ ज़्यादा हो गया था, इट वॉज़ टू मच टू हैंडल फॉर माई स्किन। तो शायद यही सारे रीजन्स की वजह से मेरी स्किन सडनली डैमेज्ड हो गई। तो जैसा आप देख सकते हो इनिशियल 3-4 डेज के लिए तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि माई फेस वॉज बर्निंग, सिर्फ पानी से भी फेस वॉश करो तो ऐसा फील हो रहा था कि मेरा चेहरा एकदम जल रहा था। अगर आपको भी लगता है कि आपका स्किन बैरियर डैमेज हो चुका है, सबसे पहली बात तो ये है कि आप ध्यान से सोचो, बहुत केयरफुली सोचो, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चंस। फर्स्टली, क्या आपके स्किन केयर रूटीन में, डेली स्किन केयर रूटीन में कुछ रीसेंट चेंजेस आए हैं? क्या आपके लाइफस्टाइल में कुछ रीसेंट चेंजेस हुए हैं? Are you under a lot of stress recently? See, root cause को समझना and find out करना बहुत ही crucial है इस issue को fix करने के लिए and future में ऐसे similar issues prevent करने के लिए. So first thing you need to do is to stop using all of your skincare products and take a pause. आप सारे skincare products को temporarily stop कर दो. No serums, no essence, no cleanser, no sunscreen. Nothing. First 2 days मैंने खुद ये mistake करी थी, I was using a mild cleanser and उससे मेरी skin और ज़्यादा irritated हो रही थी। See the thing is, जब आपका skin barrier damage होता है ना, आपको कोई भी skin care product से further damage हो सकता है, further irritation हो सकता है, तो क्या आपको ये time पे कुछ भी नहीं करना चाहिए? Should you do nothing? Focus on hydration and healing. जब आपका स्किन बैरियर डैमेज होता है तो आपकी स्किन हाइड्रेशन, दैट इज़ वाटर मॉलिक्यूल्स को स्किन के अंदर रिटेन नहीं कर पाती है, योर स्किन लूजेस वाटर, जिसके वजह से आपकी स्किन ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड, अंदर से ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड हो जाती है। हमारी स्किन को हील अप होने में भी प्रॉब्लम होती है, इसके वजह से ऐसे सिचुएशन में आपको एक्सटर्नली आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, मॉइस्चराइज करना पड़ेगा। क्लेंजिंग के लिए मैं सिर्फ पानी से, ठंडे कूल पानी से मैं अपने फेस को वॉश कर रही थी। सी, आई नो कि सिर्फ पानी से फेस एकदम प्रॉपरली क्लीन नहीं होता है, बट एट दिस मोमेंट स्किन के लिए हील अप करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपरली, एकदम परफेक्टली अगर आपकी स्किन क्लीन नहीं भी हो रही है तो इट्स ओके, इट्स फाइन। तो ये रहे कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो मैंने यूज़ किया था ड्यूरिंग दिस टाइम। ज़रूरी नहीं कि आपको ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करना पड़े या फिर यही सेम ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स यूज़ करो आप, बट आपको एक आइडिया ज़रूर मिलेगा कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करना पड़ेगा इस टाइम पे। तो डे टाइम में मैं यूज़ कर रही थी दिस स्नेल म्यूसिन एंड सेरवी का मॉइस्चराइज़र। स्नेल म्यूसिन एसेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्किन को बहुत अच्छे से हील करता है, नरिश करता है एंड एट द सेम टाइम स्किन के लिए बहुत ही जेंटल भी है एंड स्किन को ढेर सारा हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है।
बट स्नेल म्यूसिन आप तभी यूज़ करना अगर आपको कन्फर्म्ड पता है कि आपको स्नेल प्रोडक्ट से एलर्जी नहीं है। अगर आप स्नेल म्यूसिन यूज़ नहीं करना चाहते हो, इंस्टेड आप लैनेज का क्रिम स्किन रिफाइनर मिस्ट वो भी ट्राई कर सकते हो, वो भी बहुत ही हाइड्रेटिंग एंड हीलिंग मिस्ट है। या फिर कोई भी हाइड्रेटिंग मिस्ट या एसेंस आप यूज़ कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करना, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट लिस्ट होना चाहिए एंड इंग्रेडिएंट जैसे कि ग्लिसरीन उस पर प्रेजेंट हो। ज़्यादा तामझाम वाले एंड लॉन्ग इंग्रेडिएंट लिस्ट वाले स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपको ये टाइम में अवॉइड करना है। एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही थी दिस सेरावी का मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइजिंग लोशन, जो बहुत ही हाइड्रेटिंग एंड हीलिंग लोशन है। तो मैं एक बहुत ही थिक लेयर यूज़ कर रही थी मेरे स्किन पे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि फर्दर वाटर लॉस हो मेरे स्किन से, एंड मैं चाहती थी जो ऑलरेडी हाइड्रेशन मैंने प्रोवाइड किया है स्नेल म्यूसिन का, वो अच्छे से स्किन के अंदर लॉक हो जाए। एंड देन थ्रू आउट द डे मैं ट्राई करती थी कि जितना हो सके मेरी स्किन को धूप से दूर रखना, सन को अवॉइड करना, क्योंकि ऑफकोर्स मैं सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर रही थी, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में प्लीज़ ट्राई टू स्टे एट होम अवे फ्रॉम द सन एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, एंड इफ़ यू मस्ट, अगर आपको जाना ही है, आप अवॉइड नहीं कर सकते हो बाहर जाना, इन दैट केस मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अच्छे से एक कोई स्कार्फ से अपने फेस को अच्छे से कवर करके ही निकलिए, या फिर हैट यूज़ करना प्लीज़ मत भूलिए, दैट्स नॉन नेगोशिएबल। ऑलरेडी आपका स्किन बैरियर डैमेज्ड है, तो इसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ही वल्नरेबल कंडीशन में है, तो ऐसे में अगर आप सन में अपने स्किन को एक्सपोज करोगे तो और ज़्यादा फर्दर स्किन बैरियर डैमेज हो सकता है। ओके, नाउ मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे ऐसे सिचुएशन में, बट आपके प्रॉब्लम को कम्प्लीटली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। योर स्किन नीड्स रेस्ट, आपको टाइम देना पड़ेगा हीलिंग के लिए, एंड ऑल्सो आपको इस टाइम पे प्रॉपर नींद की ज़रूरत है। इस पीरियड में प्लीज़ मेक श्योर कि आप टाइम से सो रहे हो, एटलीस्ट 7-8 आवर्स की स्लीप पूरी कर रहे हो। ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट मत होना, आई प्रॉमिस कि आपके इश्यूज़ जल्दी सॉल्व हो जाएंगे टाइम के साथ। एंड ऑल्सो प्लीज़ रिमेंबर टू ड्रिंक सफिशेंट वाटर। स्किन को जल्दी हील होने के लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ मेक श्योर कि यू आर प्रोवाइडिंग दैट। एज़ फॉर नाइट रूटीन, मैं यूज़ कर रही थी या तो फिर वही सेम स्नेल म्यूसिन सीरम या फिर द कॉजरेक्स प्रोपोलिस सीरम। प्रोपोलिस मैं इसके लिए यूज़ कर रही थी क्योंकि मैंने नोटिस किया कि एंग्री स्किन को, रेड एंड एंग्री स्किन को प्रोपोलिस बहुत ही जल्दी काम डाउन कर देता है। अगेन, प्रोपोलिस इज़ नॉट सुटेबल फॉर एवरी स्किन टाइप। अगर आपको पता है कि प्रोपोलिस वर्क्स वेल फॉर यू, ओनली इन दैट केस आप प्रोपोलिस यूज़ करो। एंड देन उसके बाद ढेर सारा मॉइस्चराइजर, एक थिक मॉइस्चराइजर का लेयर मैं यूज़ करती थी अगेन एट नाइट। एंड ऑल्सो मैं कभी कभी कॉसोरेक्स का स्लीपिंग मास्क भी यूज़ कर रही थी। कॉसोरेक्स स्लीपिंग मास्क अगेन एक डिसेंटली मॉइस्चराइजिंग मास्क है, स्लीपिंग मास्क है, जो स्किन को ज़्यादा ग्रीजी फील भी नहीं कराता है, बट इट टेक्स प्रॉपर केयर ऑफ द स्किन, इट इज़ वेरी नरिशिंग फॉर द स्किन। एंड गाइज, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाई कॉसोरेक्स, आई प्रोमिस यू। जस्ट द थिंग इज कि कॉसोरेक्स के प्रोडक्ट्स जेन्युइनली बहुत ही हाइड्रेटिंग एंड सूदिंग होते हैं, तो आई वॉज यूजिंग दिस प्रोडक्ट्स, आई जनरली यूज़ अ लॉट ऑफ कॉसोरेक्स प्रोडक्ट्स। आफ्टर 3-4 डेज, जब मेरा स्किन कंडीशन थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, मेरी स्किन थोड़ी बेटर कंडीशन में आई, देन मैंने एक बहुत ही जेंटल क्लेंजर स्लोली इंट्रोड्यूस किया था मेरे रूटीन में। तो मैं यूज़ कर रही थी द सेटाफिल जेंटल स्किन क्लेंजर, क्योंकि ये बहुत ही हाइड्रेटिंग एंड सूदिंग है एंड नॉन इरिटेटिंग है। आप कोई और जेंटल फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हो, जैसे बायोडर्मा का फेस वॉश है, निविया फेस वॉश, आप कोई भी ट्राई कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ आई टुक केयर ऑफ माई स्किन, एंड आफ्टर 3-4 डेज आई सॉ इम्प्रूवमेंट। मैंने बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट देखा था, माई स्किन गॉट मच बेटर, रेडनेस भी कम हो गया धीरे धीरे, एंड जो बर्निंग सेंसेशंस हो रहे थे वो भी काफ़ी काम डाउन हो गया था। सो आप भी ये सारे स्टेप्स फॉलो कर सकते हो, होपफुली आपको भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, एंड यू विल सी क्विक रिजल्ट्स। एंड एक बार आपकी स्किन ठीक हो जाए उसके बाद प्लीज़ केयरफुल रहना कि सेम मिस्टेक्स आप इन फ्यूचर ना करो। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई सी यू सून विद माई वेरी नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना।
बाय।